हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको फिर से एक डॉग दिखाऊंगा। और आपने टाइटल पढ़ ही लिया है कि मैंने क्यों एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया है। तो आपने इसको पहले मेरी वीडियो में देखा, नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक नीचे है या आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये छोटू है और इसके पैर में चोट लगी थी, आप देख सकते हैं। छोटा इधर। तो इसका जो पैर था वो फ्रैक्चर हो गया था, बट अब देखो ये एकदम बढ़िया से चल रहा है। अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो ये लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। तो इसलिए इसका वो रीज़न ये था कि हमने इसको ट्रीटमेंट कराया, और ट्रीटमेंट में ये होता कि इसके जो पैर था उसमें सूजन आ गई थी हड्डी पे, तो इसकी कुछ एक्सरसाइज करा के और दवाई करा के हमने इसको अच्छा करा दिया है। तो अब ये पहले की तरह चलने फिरने लगा और हेल्दी भी हो गया। पहले आप देखेंगे तो ये बहुत पतला सा था। तो और ये वीडियो की कि मैंने स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया, तो बेसिकली छोटू को मैं अडॉप्शन में डालना चाहता था पर कोई ले नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने छोटू को अडॉप्शन के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही छोटू को अडॉप्ट कर लूँ। तो अब अडॉप्ट दो तरह के होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रीट डॉग को घर ले जाएंगे तो क्या फ़ायदा, तो मैं इसको घर नहीं बल्कि स्ट्रीट जहाँ पे रहता वहीं रहेगा, जैसे सोसाइटी में रहता है और मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, तो मैं इसका ध्यान रखूँगा। छोटो छोटो कम इधर आओ। तो देखो वहाँ पर आके छुप गया है। तो मैं इसका ध्यान रखूँगा, बहुत जल्दी मैं इसको गले में एक पट्टा भी डालूँगा। तो अब मेरे पास दो डॉग हो जाएंगे और इसका नाम मैंने छोटू रखा है। अगर आपके सजेशन में कोई अच्छा सा नाम हो तो ज़रूर बताइएगा। और आज से ये मेरे पास ही रहेगा और एक गार्ड अंकल हैं जो इसका ध्यान रखेंगे सोसाइटी में, और सुबह शाम इसको मैं फीड कराऊंगा। तो इस तरीके से मैंने इस डॉग को अडॉप्ट किया है। और मेरा आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाड़ी और आपसे एक विनती है कि जब भी गाड़ी चलाएँ तो स्ट्रीट डॉग का ध्यान रखें, उनको भी देखें कि वो भी रोड क्रॉस कर रहे तो गाड़ी स्लो कर ले, और रात के टाइम खासकर स्लो चलाएँ। और हम लोग इसको जल्दी, बहुत जल्दी हमारी एक होने वाला कुछ अच्छा, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था कि मैंने क्यों इस डॉग को अडॉप्ट किया, क्या वजह थी। और आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखेंगे इसकी जो है छोटू नीड हेल्प, तो उसमें आप देखेंगे तो उसकी क्या प्रॉब्लम थी। अब इसका लेग देखो एकदम परफेक्ट वॉक हो रही है, हील है, अच्छी हेल्थ है और ये स्ट्रे डॉग है तो देख सकते हैं। देखिए वॉक भी कर रहा है। छोटो हम आओ, ये देखो ये देखो ये देखो। तो ये बहुत प्यारा डॉग है। और इसी तरीके से आप भी अपने आसपास की सोसाइटी में जितने डॉग्स हैं आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको कोई घर लाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्ट्रीट डॉग घर ही लाने हैं। आप बस अपने डॉग को दो टाइम उस डॉग को अगर आप फीड भी करा देते हैं और एक कॉलर डाल देते हैं तो डॉग आप अडॉप्ट भी कर लेते हैं। कि इन केस अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैनेज कर ले जाइए, लाइक जैसे आप घर पर ले जाते हैं तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, वहाँ पर जाके आप उनका इजीली ट्रीट करा सकते हैं। मैंने भी इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीट कराया था, मेरे पास इतने बजट नहीं था कि मैं इसको प्रॉपरली हेल्प कर पाऊँ। तो इसका जो लेग था आप देखिए कितना अच्छा हो गया, तो देख सकते हैं आप। मैं हॉस्पिटल का नाम या डॉक्टर का नाम तो नहीं बता सकता कि इसलिए, बाकी ये है कि अभी डॉग पहले से काफ़ी हेल्दी और अच्छा हो गया। और आपको ये डॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी चाहते हैं कि हम इस डॉग के साथ वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।